सेट एनालिसिस जो पेपर की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक का आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें। आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वेक्टर। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है निमसेट के टर्म में। 60 के करीब क्वेश्चंस आ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी वेक्टर की अगर देखी जाए तो 5 या 6 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। तो इस लिहाज से, इस टर्म से निमसेट में वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि निमसेट के शुरुआत से 2008 में हुई थी, तो 2008 के फिर 2009 के ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे। हर वीडियो में लगभग कम से कम 5 या 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बारी बारी से करते जाएंगे। आज 2008 के सारे क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक। अगर सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डिस्कस होते हुए या सोल्यूशन चाहते हैं तो, अगर आप बिल्कुल इनिशियल हैं वेक्टर के इनिशियल टर्म में आप बात कर रहे हैं, तो मॉडलर क्लासेस ने बहुत सारे 1x1 कॉन्सेप्ट वेक्टर के अपलोड करके कर चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लें। थोड़ा सा हम लोग पीछे की चीज़ों को, वॉल्यूम के बारे में, पैरेलल पाइप्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो फिगर बना हुआ है एक पैरेलल पाइप्ड है। जैसा कि हमारा एक कमरा होता है, रूम है, तो रूम एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, क्यूबॉइड जिसको बोलते हैं, और ये जो हमारा पासा होता है वो क्यूब होता है। थोड़ा सा ये पैरेललोग्राम की तरह उनके इस सारे फेसेस हो जाएं, तो ये पैरेलल पाइप्ड है। इसकी तीन ये एजेस हैं। अगर वो तीन एजेस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हो, तो उनका वॉल्यूम जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही वॉल्यूम निकालते, कोई अलग से फार्मूला नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड या वैल्यू ही वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड है, जहाँ पर वेक्टर्स पैरेलल पाइप की को टर्मिनस एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो लैम्डा की वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल पाइप की तीन एजेस दी गई हैं, जैसे कि यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया गया है, यहाँ पर तीन एजेस दी गई हैं, और वैल्यू मिनिमम हो। ऐसा क्या करें लैम्डा, ऐसा क्या सेट करें कि वॉल्यूम जो है मिनिमम हो जाए। तो आगे देखेंगे कि कैसे मिनिमम होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये थोड़े आगे पार्ट में अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा। बताया गया था कि वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी आप निकालते हैं तो तीनों वैक्टर्स के जो कोफिशियंट्स होते हैं उनको रो वाइज आप रख देते हैं। तो देखो, पहले वाले वैक्टर्स के कोफिशियंट्स हमने पहली रो में रख दिए हैं, ध्यान दें, और दूसरे वाले वैक्टर्स के कोफिशियंट्स हमने दूसरी रो में रखे हैं, और ऐसे करके तीसरे वाले के भी तीसरी रो में रख दिए। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे डिटरमिनेंट एक्सपेंस एक्सपेंड किया गया है, और वॉल्यूम को वी मान लिया गया है। लैम्डा के टर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। आगे की बात को थोड़ा सा समझने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, या बेसिकली मिनिमम की बात कर रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमा को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लिखा हुआ है। आप देखें कि एक फंक्शन हमने अज्यूम किया, डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, जिसको लिखा है वो डेरिवेटिव टेस्ट है, यानी कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएट किया है। जितनी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उतनी बातें पहले ही वहाँ पर चलाएंगे, जैसे कि आप प्रैक्टिकली मैनेज कर पाएँ, समझ पाएँ। अब हमने क्या किया, डेरिवेटिव जो आया था उसको ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी लैम्डा को ज़ीरो करते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शन एक्स के टर्म में लिया है तो डी वाई बाई डी एक्स किया है, यहाँ फंक्शन लैम्डा के टर्म में किया है तो डी वी अपॉन लैम्डा करेंगे, ज़ीरो करेंगे, तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 1/√3। देखिए, कैलकुलेटिव पार्ट आप खुद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको ज़ीरो करना, लैम्डा की वैल्यू दो आई, प्लस माइनस 1/√3। तो जैसे कि वहाँ पर दो आई, ऐसे यहाँ ए और बी वैल्यू मानते हैं। एक वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव आ रही है 1/√3, और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है -1/√3, जैसा कि यहाँ पर ए और बी कंसीडर किया है। अब हम लोग हायर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, सेकंड डेरिवेटिव आगे और निकालेंगे, तो इसका भी हायर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकाला डी लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पर देखें कि 6 लैम्डा हो जाएगा। अब हम इस डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करते हैं। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, और लेस देन का मतलब निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव करस्पॉन्डिंग टू वो वैल्यू करेंगे, मतलब अगर सपोज ए आपने यहाँ रखा, यानी एफ डबल डेस ए पॉजिटिव आया, तो अगर इस वैल्यू पर ये पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आने पर ये वैल्यू पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यानी मिनिमम अकर एट, मिनिमम अकर एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये मिनिमम डिसाइड कर रहा है। और इस पर अगर ये निगेटिव आता है, तो इस वैल्यू पर निगेटिव आना मतलब इस वैल्यू पर मैक्सिमा अकर हो रहा है,
अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो फंक्शन में रखेंगे, तो यही यहाँ पर देखते हैं। हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, दिखाया गया मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब हम लैम्डा की, ये लैम्डा की वैल्यू है एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ऐसा इसमें क्या रखें कि पॉजिटिव हो जाए, तो ऑब्वियसली अगर निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, मिनिमम के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू कौन सी लें, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रखें 1/√3, जिससे ये कैसा मिलेगा d2v/d λ² > तो इस वैल्यू पे मिनिमम होगा, तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू के लिए निकालना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, सी। मुझे लगता है कि एनालिसिस जब भी करते हैं, पेपर के एनालिसिस करते हैं, तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं, तो इतने वर्ड्स में जो भी हमने एक्सप्लेन किया बेहतर समझ में आया होगा, बाकी कहीं भी कॉन्सेप्ट में आप अगर लैग करते हैं तो सारे टॉपिक के वीडियोस इंडिविजुअल बनाए जा चुके हैं, वेक्टर के आप टॉपिक या प्लेलिस्ट में जाएं और उसके सारे कॉन्सेप्ट को आप बारी बारी से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। वेक्टर का जो एनालिसिस पार्ट ले रहे हैं, सबसे पहले इनिशियल से ले रहे हैं कि वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो 2008 में ही 5 या 6 क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहले 2008 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक दूसरी और बात कि जब भी एनालिसिस करते हैं तो ये एश्योर करते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर और सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि ये एक कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, तो आपके कैरियर से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में ये बात इसलिए बताई कि हो सकता है कि इस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं कहीं पर दिए गए हों, कंटेंट दिया गया हो, तो वहाँ पर जो आंसर हम निकालें शायद वो निकल के नहीं आए, बट ये एश्योर है कि आंसर वही आएगा, उसका परफेक्ट लॉजिक भी आपको देंगे। सबसे पहले एक बात आपको सीखनी होगी कि वेक्टर के बीच में जब एंगल कंसीडर करते हैं तो वेक्टर एक डायरेक्शनल एरो है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो कभी भी एरो बाहर की ओर जा रहे हो तो एंगल कंसीडर ये होगा, अगर एरो एक बाहर और एक अंदर जा रहा हो तो एंगल ये कंसीडर ना होके एरो को आगे बढ़ाएंगे और एंगल ये वाला कंसीडर होगा। तो जब भी एंगल आप डिसाइड करते हैं वेक्टर का तो पाई और ज़ीरो के बीच में ही होगा, स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग कि जीरो और पाई के बीच में होगा, कभी भी 210, 240 इस टाइप की वैल्यू आंसर में नहीं आ सकती हैं। अगर ये सोल्यूशन दिया गया है तो सोल्यूशन वो क्लियर कट गलत है, मैं यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ। तो अब दूसरी बात, एक और क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग बात है, इंपॉर्टेंट पहलू है कि जब भी इस टाइप का डेटा दिया जाता है तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आता है, जनरली सबके दिमाग में फार्मूला आता है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड बराबर स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a.b और b.c और c.a। जब भी इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये वाला फार्मूला आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन ये आया, बहुत बार आता है, ये ऐसा क्यों नहीं होगा ये अभी देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा, होप शो आप पढ़ भी ध्यान से, यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी भी निकालना है, तो जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दी गई है वेक्टर्स के टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके बीच में एंगल निकालना होगा उन दोनों वेक्टर्स को बचा के रखेंगे और जिसके बीच में नहीं निकालना उसको इधर भेज देंगे। जैसे कि सपोज एंगल बिटवीन बी एंड सी निकालना होता, बी और सी वेक्टर का निकालना होता, इसको एक तरफ रखते और बाकी वाले वेक्टर को बचे हुए उधर ले जाते, बी और सी को इधर रखा इसको उधर ले जाते, कब ले जाते, जब एंगल बी और सी के बीच में निकालना होता, अभी ए और बी के बीच में निकालना है तो यहाँ पर ऐसे ले गए। पीछे जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था हमें लगता है कि वो लगेगा बट ऐसा है नहीं, इसलिए क्वेश्चन ये आया निमसेट में भी 2008 में। अब क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे, कभी भी वेक्टर्स दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके मॉडुलस और उनका मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होगा। अब ये वाला फार्मूला जो अप्लाई किया गया ये आपको याद कराया गया होगा या आपने याद करके रखा होगा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा बराबर मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब जो हमें डेटा दिया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए मॉड ऑफ ए बराबर 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा, मॉड ऑफ बी बराबर 5 है तो 25 हो जाएगा, 2 मॉड ऑफ ए बराबर 3 है, ध्यान देते रहें वैल्यू को, ध्यान देते रहें कुछ चीज़ें आप ध्यान भी देते रहें, और मॉड ऑफ सी स्क्वायर तो मॉड ऑफ सी 7 है तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर 49 होगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो बच्चे ध्यान दें कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा जो आया है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट से आया है, तो एंगल ये जो कोसाइन थीटा है ये ए और बी के बीच का ही है, तो यही एंगल देगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बचा के रखेंगे बाकी चीजें उधर ले जाएंगे। तो 2 × 3 × 5 कॉस थीटा बराबर, आपको कैलकुलेट आप कर चुके होंगे, इधर ले जाएंगे तो 34 हो जाएगा, आई थिंक टैली कर लीजिए 34 हो जाएगा। तो
तो कॉस थीटा बराबर 15 अपॉन 2 इंटू 15, तो आप जब कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कॉस थीटा 1/2, जैसा कि बताया गया कि एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग कि दो ही जगह पर होगा, या तो एक्यूट या ऑब्ट्यूस, यानी 90 और 90 के बीच में, या 90 180 के बीच में, कभी भी थर्ड और फोर्थ में नहीं जाता है। तो आपको पता है कि कॉस, जब भी कॉस को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई, तो मतलब कहने का मतलब फर्स्ट में आएगा। अब कॉस थीटा बराबर 1/2, आपको पता होगा थीटा बराबर π/3, कहने का मतलब 60, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है पाई 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, दैट इज π/3। एक भी ऑप्शन यहाँ नहीं दिए गए, नन में जाएगा, आंसर π/3 होगा। कहीं कहीं पर भी इसका आंसर 5π/3 दिया गया। 5π/3 का मतलब होता है, π/3 का मतलब 60, और 60 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। सॉल्यूशंस से आप बिल्कुल मोटिवेट ना हो, कहीं पर भी दिए हो, आप क्वेश्चंस का कंटेंट रखिए और अपना खुद का दिमाग लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप उस रटेड है सॉल्यूशन से अपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया हो। और निम्नसेट में एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 12 नंबर, तो वो जाते ही जाते हैं और आपका निगेटिव भी जाता है, तो बहुत ही हानि होगी, लॉस होगा आपको। तो हमेशा प्रॉपर सॉल्यूशन बनाएं और प्रॉपर कंटेंट देखें। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चंस आगे जाके रिपीट होंगे। तो जैसे जैसे हम एनालिसिस बढ़ाएंगे 2008 से आगे लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी। तो सारे शुरुआत के सारे टॉपिक्स को, सारे एनालिसिस को आप देखिए, जिससे कि आपको आगे फायदा होने वाला है। वेक्टर में कोप्लेनर की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। कोप्लेनर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ज़्यादातर बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें तीन वेक्टर्स दिए जाते हैं, तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर बनाना होता है। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर्स। तो जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, सीधे आप क्या करिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू को क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जीरो अगर आ गई तो कोप्लेनर होगा, नहीं आई तो नॉन कोप्लेनर है। तो ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चंस लगाए होंगे, अगर आपने वेक्टर लगाया है तो। एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चंस में तीन वेक्टर्स ना देके चार पॉइंट्स देते हैं, तो बच्चों को लगता है ये तीन वेक्टर वाला क्वेश्चन लगाया था, ये चार वाला कैसे आ गया, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होती है। तो अब देखेंगे जैसा क्वेश्चन यहाँ लिया गया है, और बाकी में ऐसा आना चाहिए और ऐसा ही आता है। तो चार पॉइंट्स दिए गए हैं, अब देखते हैं कि कोप्लेनर कैसे होगा, और कोप्लेनर अगर होगा तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। तो बने रहिए और आप देखिए कि, और ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा प्रयास करें, ऐसे ही आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि चार पॉइंट्स दिए गए, हमेशा आप तीन वेक्टर्स को मान के क्वेश्चंस को तय करते हैं, लगाते हैं। इन सारी बातों को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से और किस तरीके से इंटरलिंक की गई हैं। जैसे कि चार पॉइंट्स दिए गए यहाँ पे लिखे हैं, अब वेक्टर्स के टर्म में पॉइंट्स को हम पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में लेते हैं, यानी ए पॉइंट्स को ओ ए वेक्टर, और बी पॉइंट्स को ओ सी ओ बी, और ओ सी और ओ डी। अब इस जो वेक्टर्स के टर्म में सारे वेक्टर्स आई जे के टर्म में लिखे गए, तो उनको हम पॉइंट्स फॉर्म में भी ले सकते हैं। फर्क यही है कि जब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में लेते हैं तो वहाँ एक्स और वाई चलता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखा है। अब इन तीन पॉइंट, चार पॉइंट्स की हेल्प से हम तीन वेक्टर्स को क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे ये जरूर ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे ए बी, ए सी और ए डी लिया है, देखिए इनिशियल में हमने ए को फिक्स किया गया है। आप कभी भी ए को फिक्स कर सकते हैं, बी को फिक्स कर सकते हैं, सी को या डी को, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने बी को फिक्स किया, तो बी ए, बी सी और बी डी लेंगे, तो इससे इसी से आपका आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। ये जहाँ तरीका सबसे सही है, कहीं पर भी कभी कभी क्या होता है ए बी, बी सी, सी ए या जो भी ऐसे ले लेते हैं, वो गलत आदत है, गलत कभी क्वेश्चन हो सकता है। हमेशा कोटर्मिनस यानी कि एक जगह से वेक्टर निकलते हुए होने चाहिए। तो यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ले लिया। अब देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ए बी आपको निकाल के हम दिखा रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे, ए बी, ए सी और ए डी खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्टली हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे आगे। तो ए बी निकालना आप जान लीजिए कि कैसे निकालते हैं। तो ए बी जब भी वेक्टर निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए। अब देखिए ओ बी कितना है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ओ बी है 3 माइनस 2 और लैम्डा, और ओ ए है 6 3 और 1। ठीक है, ओ बी के पोजिशन वेक्टर और ओ ए के पोजिशन वेक्टर यहाँ पर रखें और उनको घटाना है। तो जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 3, ये घटाएंगे तो माइनस 5, और यहाँ लैम्डा माइनस 1। तो ए बी हमने निकाल लिया, ए सी और ए डी आप निकाल लेंगे।
आगे वाले टर्म में हम लोग वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सीधे कंसर्न सीधे हम लोग अज्यूम कर लेंगे या निकाल के रखेंगे और उसे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ज़्यादातर बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बस केवल आपके सामने आंसर्स को जस्टिफिकेशन के लिए कुछ टर्म्स रह गए हैं, डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बताया था कि आप निकाल लेंगे, एक बार आप उससे टैली कर सकते हैं जिससे कि एश्योर हो जाए कि वाकई में ये निकले हैं। अब तीन वेक्टर हमारे पास आ गए, तो हमने बताया था कि तीन वेक्टर जैसे बनते हैं आप कोपलेनर की डायरेक्टली कंडीशन लगा सकते हैं। अब बात आई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस डिटरमिनेंट से निकालते कैसे, बताया था पीछे कि आप इनके सारे कोफिशिएंट्स रो वाइज रख दीजिए, तो यहाँ पर सारे कोफिशिएंट्स को हमने रो वाइज लिखा है और जैसा बताया है कोपलेनर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और ये देखिए एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन डिटरमिनेंट का आप जानते होंगे, केवल आपको टैली करने के लिए हमने सारे स्टेप्स लिखे हैं, फाइनली आया 17 लैम्डा बराबर 68। अब आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आई है। ऑप्शंस देख लेते हैं बी, कुछ चीज़ें इसलिए जल्दी कर दी गई या कुछ चीज़ों को हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि वो कैलकुलेटिव पार्ट था, तो प्लीज़ इसको ये मत बोले कि जल्दी जल्दी में डिस्कस कर दिया। जहाँ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, हम उसको 10 बार रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिए, विजुअल है, बस आपको आंसर टैली कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चंस होंगे, दोनों क्वेश्चंस अच्छे होंगे, उनको भी जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर 5 या 6 जो भी हो गए टॉपिक के लेंथ और क्वेश्चंस की लेंथ पर ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। सेम ईयर का क्वेश्चंस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज निमसेट 2008 के सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, टॉपिक है वेक्टर। ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लें, क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी है, बट आप इसको इत्मीनान से पढ़ लें, आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को इत्मीनान से पढ़ लें और आंसर्स भी आप स्कैन कर लें, ऑप्शंस देखते हैं आगे। एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करने की कोशिश करेंगे। वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है और सी वेक्टर इज अ वेक्टर, सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है सच दैट ए डॉट सी और सी और माइनस ए का मॉड दिया गया है और एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30 डिग्री। इन सारी बातों को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों करेंगे और रिलेट क्यों करेंगे, ये बात जानना जरूरी है। देखिए ए क्रॉस बी जो फॉर्मूला है, रिमाइंड कर देते हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। अगर ए क्रॉस बी का मॉड लिया जाए तो ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप का मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली ए क्रॉस बी का मॉड मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को मॉड यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम मान लेते हैं ये वेक्टर्स एक वेक्टर है और ये वेक्टर दूसरा है, तो जैसे वेक्टर ए का यहाँ मॉड लिया गया है उसी तरीके से इस वेक्टर को एक वेक्टर माने तो इसका मॉड लेंगे, इसको दूसरा वेक्टर माने तो इसका मॉड लेंगे और इनके बीच का एंगल। तो देखो यहाँ पर ये इसलिए ऐसा किया गया है कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड और सी का मॉड। तो किसी भी तरीके से हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, तो ये दोनों बातों को अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को उठाया, दोनों तरफ ने क्या किया मॉड का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर फार्मूला लगाया जैसा कि आप जानते होंगे मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस 2, मॉड ए मॉड बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जैसे होता है, तो यहाँ मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा होगा, बट हमें इन्फॉर्मेशन ए डॉट सी की दी गई है इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यहीं तक रोक दिया है। क्यों रोका, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए। यहाँ पर स्क्वायर किया तो 8 आ गया, अब देखिए ए डॉट सी की जगह मॉड सी दिया गया, तो मॉड सी हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो 2 मॉड सी यहाँ हो गया। ए का मॉड तो देखिए वेक्टर ए दिया गया 2i माइनस ए माइनस 2k, इसका अगर मॉड लेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 9 दैट इज 3, तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 रख दिया लिखा गया। अब देखिए जहाँ पर भी मॉड सी लिखा गया है वहाँ पर हम सी लिख दिया है, इसका मतलब जब भी मॉडुलस लेते हैं तो वहाँ पे आप नॉर्मल वो एक लेंथ हो गई, वैल्यू हो गई, एक डिस्टेंस हो गई, तो उसको सिंपली एरो हटा के लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस 2c और प्लस 1 इसको सॉल्व करके लिया। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। फाइनली
इंटेंशन हमारा ये था कि यहाँ से सी की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, वन मिल गई। कहने का मतलब मॉड ऑफ सी वेक्टर कितना मिल गया, वन। जहाँ पर भी ये वैल्यू होगी वहाँ यूज़ करेंगे इसका, मतलब इसकी वैल्यू हो गई वन। तो हमारी हेडर अब थोड़ी सी कम हो गई, वन बाई टू ए क्रॉस बी का मॉड। जैसे ही ए क्रॉस बी निकलता है हमारा पूरा पूरा आंसर आ जाएगा, हम लोग वहाँ पर टिक कर पाएंगे। केवल और केवल ए क्रॉस बी का मॉड निकालना। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे उसको। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वेक्टर का मॉड हमें निकालना था और इसको कंक्लूड करके हम यहाँ पे ले आए थे। सारा सारा आंसर ए क्रॉस बी के मॉड पर डिपेंड है। ए क्रॉस बी का मॉड कैसे निकालते जानते हैं हम लोग। देखिए वेक्टर ए यहाँ पे दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया, दोनों वेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं। ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी निकालना नहीं जानते तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि पहले वाले रो में आई जे के रखते हैं, ए क्रॉस बी हो रहा है तो पहले वाले वेक्टर ए के कोफिशियंट दूसरी रो में रखेंगे और बी के कोफिशियंट तीसरी रो में करेंगे। सिंपल डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया गया 2i माइनस 2j प्लस किया है, ये एक्सपेंस यहाँ लिखा हुआ है और आपको मैच करा ले ये आ गया। अब इसका मॉड, अभी हमने जैसे a का मॉड निकाला था क्योंकि a के बराबर ही ये लगभग हो गया है। जब मॉड निकालेंगे a क्रॉस b का, अगर मॉड निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, टैली कर सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 9 और दैट इज 3। तो जैसे ही यहाँ डिलीट करेंगे और 3/2 लाएंगे आंसर में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बहुत सारे एक्सपेक्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा इंटरलिंक करना था, बट बहुत सहज तरीके से हमने किया। ज़रूर आप फीडबैक में लिखना कि कितना मैंने पेशेंस रखा। आगे लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको कंसिडर करेंगे फटाफट और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू कि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेंदी ला सकते हैं। जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे वो हमें डिस्कस ही करने पड़ेंगे। भले ही आपको लगे कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं, बट आप नेंसोट की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हैं और मैं डिस्कस किए बिना रह नहीं सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बट हमारी मजबूरी और आपको देखना भी ज़रूरी है। देखते हैं कि आर रिजिड बॉडी इज़ रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 3 रेडियस पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस ए बी। थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ते हैं। वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स 1, -2, 1 एंड 3, -4, 2। द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी एट 5, -1, -1 ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शन ये हैं, कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया फिर भी, मगर सोल्यूशन ढूंढते हैं और समझ में आएगा रियल में, ऐसा लगता है मुझे भी। और आप बने रहिए, जो चीज़ें दी गई हैं, जो डेटा दिया गया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी पॉइंट दिया गया है ये, तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट पी निकालना है वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो एक हमने यहाँ पे रिजिड बॉडी ली है, यहाँ पे पॉइंट ए लिया है, पॉइंट बी लिया है, पॉइंट पी लिया गया है। जैसे यहाँ देखिए तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजिशन वेक्टर रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म लिया गया, जैसे डायनेमिक्स स्टैटिक्स हम लोग लेते हैं तो वेक्टर्स को एक्सटेंड किया गया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को कंसीडर किया गया है। तो पॉइंट्स ले लिए गए रिजिड बॉडी पर। अब अ बॉडी इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 3 रेडियस पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस ए बी। तो ए बी के अबाउट ये एक्सिस मानी गई, ए बी को क्या माना गया, एक्सिस मानी गई है, और ए और बी के पॉइंट दिए गए हैं, वेलोसिटी निकाल ली है। तो देखिए वेलोसिटी जो निकाली है वी, वो ए बी क्रॉस ए पी अपॉन ओमेगा। और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। और ए बी क्रॉस ए पी क्यों निकाला गया, देखिए ए बी और क्रॉस ए पी, तो ए बी क्रॉस ए पी करेंगे तो ध्यान दें यहाँ थोड़ा सा कि जब भी ए क्रॉस बी करते हैं हम लोग, जब भी दो वेक्टर्स को क्रॉस किया गया, जब भी आप ए क्रॉस बी करते हैं, यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं, जब भी आप ए क्रॉस बी करेंगे, ऐसे करेंगे ए क्रॉस बी, तो इसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर ऊपर निकल के आएगा जब भी आप ए क्रॉस बी करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी ए बी का क्रॉस ए पी से करेंगे तो एक एंगुलर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकल के आएगा, ठीक है। और एक्सिस ए बी है तो इसी ए बी की लेंथ को ही बोल रहे हैं हम लोग, उसी एक्सिस की लेंथ को बोल रहे हैं ओमेगा। तो ए बी क्रॉस ए पी अपॉन ओमेगा से वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सिंपल हमें क्या करना है कि ए बी निकालना है, ए पी निकालना है और ओमेगा दैट इज ए बी का मॉड निकालना है। तो देखें यहाँ पे ध्यान दें, ए दिया गया था, पी दिया गया था, बी दिया गया, यहाँ रखा गया है। ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी ये दिया गया, ओ ए ये दिया गया, आप निकाल के ए बी निकाल लेंगे। ए बी का मॉडुलस कितना, 3 आया, वही ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी है। और ए पी, ए पी मतलब ओ पी माइनस ओ ए,
तो जब इससे घटाएंगे तो देखो 5i से i घटाएंगे तो 4i आ जाएगा, और माइनस j से प्लस 2j हो जाएगा तो j आ जाएगा, और माइनस k से माइनस k तो माइनस 2k आ गया, तो ap आ गया। ab क्रॉस ap, क्योंकि ab क्रॉस ap यहां करना है, क्रॉस के लिए बताया गया था i j k 2 माइनस 2 1, और यहां से हम लोग 3i प्लस 8j प्लस 10k निकाल लेंगे। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 3i, ऑप्शन टैली कराते हैं, यहां पे आया 3i प्लस 8j और प्लस 10k अपॉन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा दैट इज एपी का मॉड कहां पर है 3, इसे डिवाइड करेंगे 3 से, ऑप्शन मैच कराएंगे, बी ऑप्शन मैच कर गया। थोड़ा सा ये इसलिए टिपिकल था कि हम लोग मैथमेटिशियन है, मैथ्स को लगाते हैं बार बार, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का पार्ट आउटडेटेड थोड़ा सा हो रहा है, बहुत कम एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा हम लोग हो सकता है कि वीक थोड़ा सा आपको लगे। 2008 में ये था, तो 2008 और 2018 और 19 में खासा फ़र्क है, 10 ईयर्स का गैप आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो आपको डिस्कस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 2008 की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मगर पैटर्न थोड़ा अपडेट हो चुका है, तब स्टैटिक और डायनेमिक्स काफ़ी सारी आया करती थी, अब कम आती है, तो आपको उतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में आप कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, एलजेब्रा, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को आप स्ट्रांग बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे एनालिसिस के आधार पर, इंपॉर्टेंट का मतलब है कि एनालिसिस के आधार पर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले हम लोग उन्हीं के एनालिसिस करेंगे, और आप फीडबैक जरूर देते रहें, जो हमारा क्वाड्रेटिक और हमारा बाइनोमियल, हमारा वेक्टर, ये सारे जो टर्म्स आप सारे पार्ट देखेंगे, तो पहले पार्ट को हम लोगों ने पांच क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, इसलिए कि आप फीडबैक दे पाएँ, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन को अपडेट कर पाएँ। तो प्लीज़ इस बात के लिए बोलेंगे आप फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये आपका टर्म है, आपकी बातों को यहाँ पर रखा जा रहा है, आपके लिए निमसेट JNU सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर एक्टिव होकर ज़रूर ओपनली आप फीडबैक दीजिए कि क्या अच्छा हो सकता है, एनालिसिस किस तरीके से और बेटर तरीके से कर सकते, कोई भी बेटर आइडिया हो ज़रूर आप रखिए, हम लोग उसको मानेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक कोई अच्छा ही होगा, आप वेट करिए।